नहीं तीर है अब नहीं फासला पैदे को करते हैं फासला उसने इदारे पे हमले किए पूरे पाकिस्तान को जला दिया सोशल मीडिया पे चलेगा मंडी एक जीप काली होवे नी स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेटिया मित्र प्यारे हो की हाल चाल ने तुहाडे ठीक ठाक हो मैं भी बहुत वधिया यार थैंक यू फॉर आस्किंग तुसी मैनू पुछदे रहने हैं ते बाकी ट्रक भर भर के जिहड़ा प्यार करदे आ उहदे लई थैंक यू सो मच शुक्रिया मेहरबानी तुहाडी ते नासर ढिल्लो वीर दे नाल पॉडकास्ट अपलोड हो चुके अपने चैनल ते जाके देखो शेयर करो ते उहदे विच जो गल्लां बातां कीतियां गईआं उहनूं विचारो वटांदरो बड़ियां सियाणियां सियाणियां ते चंगीआं चंगीआं गल्लां कीतियां गईआं मतलब जिहो जिहा माहौल हुंदा आपां उदां दे बण जांदे आ जेकर उह चीज़ां हुंदियां तां आपां थोड़ियां सियाणियां सियाणियां गल्लां करदे आ ते जेकर कोई रिएक्शन वीडियो उदां दी हुंदी है जिस च कोई फनी ते चुलबुलियां गल्लां हुंदियां तां फिर आपां आपदे आप नूं उदां दा बना लैंदे हां क्योंकि उमर मैटर नहीं करदी तुसीं जिहो जिहे मर्जी हो जाओ जिधर मर्जी नूं चल जाओ पर तुहाडे अंदरला जिहड़ा बच्चा है ना वह हमेशा तुसीं जिंदा रखना आपदे विच इह सी अज दी वीडियो दा ज्ञान सो आओ एक फनी वीडियो देखदे हां तुहाडे पाकिस्तान दी एक तुहाडा लीडर है पाकिस्तान दा पोलीटिकल लीडर बिलावल भुट्टो साहब सो उहनां दीआं कुछ फनी मोमेंट्स है कुछ फनी वीडियोज़ है वो देखते हैं इंजॉय करो क्योंकि जब बारिश आता है तो पानी आता है जब कम बारिश आती है तो कम पानी आता है जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है समझ गए होंगे तुसी सुभाव देखिए दोस्तों चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो के आलू दर्जनों में बिकते हैं आलू ले लो और इनके अंडे किलो के हिसाब से मिलते हैं तो चलिए आज आपको बिलावल भुट्टो के कुछ ऐसे ही मजाहिया सीन दिखाएंगे ओके दोस्तों सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब की ये बात सुने ये माशाल्लाह से मुस्लिम लीग नून का निशान शेर की बजाय तीर बना देते हैं पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है राहुल गांधी है ना जिहड़े साडे पॉलिटिशियन उहनां नाल कंपेयर कीता जांदा है अरे कहना क्या चाहते हो शेर है दस्ता उन्होंने भाई ये तो आप देख सोशल मीडिया पे चलेगा इसी तरह ये बिलावल जरदारी किसकी नैपियां चेंज करने लग पड़े हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अब जैसे कि बिलावल साहब की खुद किस्मती की वजह से ये आजकल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन गए नहीं तो इनमें चेयरमैनों वाली कोई ऐसी बात नहीं लेकिन इसकी खुद किस्मती क्या बोला तूने खुद किस्मती तुमसे ना हो पाए खुश किस्मती है शाबाश बेटा शाबाश दोस्तों यहाँ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान को और इसकी मईशत को ठीक करने का फॉर्मूला बताएंगे क्योंकि ये हकीकत में गरीबों के लिए कुछ नहीं करते रोटी कपड़ा मकान देते देते इन्होंने लोगों के ही कपड़े उतार लिए हैं ये बस अमीरों की ही पीपल्स पार्टी है कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा होगा ओ, भाई ए, मैं फनी च लै रहा सी गल फंक्शन च लेकिन आ गल जची नहीं कुछ कहिंदे अमीर नूं कहिंदे ज़्यादा अमीर बनावांगे तां ही कहिंदे ओह गरीबां नूं हैल्प करनगे मतलब इदां दा कुछ मतलब है इहनां दा हद हो गई है कौन है केड़ा बंदा करदा अमीर हैल्प भाई कहां से आते हैं अगली वीडियो में बिलावल जरदारी की उर्दू काफी कमजोर है इनकी दरारें पैदा करने की कोशिश पैदा होते होते मुंह में अटक जाएगी और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदे की कोशिश रंग बहुत बुरे लग रहे हैं फासला पैदे की कोशिश देखो आपने लापरवाही का नतीजा अच्छा देखो ये जो हासे वाली गल नहीं की गल पता चक्कर की जड़ा एक पॉलिटिक्स का लीडर होता ना यार उन्हें मतलब हुणे कुछ होर भाषण देना फिर उन्हें थोड़े टाइम बाद कुछ होर भाषण कदे रैली च कदे जलसे च कदे दिमाग अपसैट रहिंदा कि यार मैं बोल मतलब बोलना कुछ हुंदा बंदा
ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਬਲਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ इसी तरह सियासतदानों की हकीकत क्या है ये बिलावल अपनी जुबानी ही बताएंगे क्योंकि ये सियासतदान आवाम को बस ख्वाब ही दिखाएंगे करना इन्होंने कुछ भी नहीं निकल जाते हैं इट लुक्स जो आपने जो बातें मैं आपको सुन रहा हूँ बिजली ये करेंगे 300 यूनिट तक मुफ्त देंगे देखिए किसी के भी हाथ में हो वो फौरन कर देगा दिस इज वोट्स ये वोट गारंटीड वोट्स लेकिन आपको पता ये नहीं हो सकता ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपका मैनिफेस्टो ऑप्टिमिस्टिक है हम पा भी ना देखे दोस्तों चेयरमैन बिलावल जरदारी कभी भी अपनी शादी के बारे में जवाब नहीं देते पता नहीं आखिर ये मसला क्या है शादी कब कर रहे हैं अगर मैं आपके सवाल के जवाब दे देता हूँ तो मेरा पूरा पार्लियामेंट का तिजोरी खा जाएंगे और वो नहीं चलाएंगे मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता अच्छा ब्याह होया भी नहीं इन्हों का ठीक है अच्छा अब जैसे कि ये बंदा पीपी का चेयरमैन तो बन गया लेकिन आज तक ये समझ नहीं आई ये अपनी तकरीरों में चूहे ही पकड़ता रहता है पता नहीं इसको तकरीर कौन लिख के देता है किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है चूहा ने इधर से उधर भागा है चूहा ने यहां से बेल लेना है अब मेरा ख्याल में अवाम पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं जो हमारे मीडिया हैं और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मिसाइल की तरफ होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए मुआशी बहरान जो तारीखी मुआशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए अगली वीडियो में बिलावल भुट्टो अपनी सफाई पेश करेंगे कि इन्होंने कभी मौलाना साहब को उल्टे नाम से नहीं पुकारा मौलाना फजल रहमान साहब को आपने किस किस्म का कहा लेकिन फिर भी रो रो के ही तकरीर कर पाते हैं इनको चाहिए तकरीर करने के लिए इमरान खान से ट्रेनिंग लिया करें एक रात पुलिस गेस्ट हाउस में कप्तान बर्दाश्त नहीं कर सका इसकी खौफ से अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है कि एक हफ्ता उसको जेल में गुजारना पड़ा क्या पड़ेगा उसके खौफ पे उसने इदारे पे हमले किए पूरे पाकिस्तान को जला दिया मैं दूंगा अरे हमारा पीपल्स बस सर्विस का तो क्या कसूर था
केएमसी का वाटर टैंकर ने खान का क्या बिगाड़ा है? चाचा चाचा हो गया अच्छा जी, जदों पीछे जी अरेस्ट कीता सी उदों तुहाडा पाकिस्तान दी आवाम ने जिहड़ा कीता सी ओह कहिंदे सी कि ओह इमरान खान ने नहीं कीता, कहिंदे ओह ते ओह लोकां ने कीता जिहड़े कि शायद अपोजिट पार्टी दे सी, कोई पेड हुंदे ओह सुभाई सदर नजमुद्दीन से सलाम लेने लगे थे, उल्टा ही डीप हो जाएंगे। नो 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 गजब बेइज्जती है मोदी साहब दी बढ़िया है ते वीडियो वायरल हुई है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब जैसे कि बिला वजह भुट्टो साहब को भूख लगी हुई थी, इसीलिए तकरीर करते करते इनको केपीके की जगह केएफसी याद आने लग जाता है। पहले क्या बोला? केएफसी भी आपका। चल दोस्तों, बिलावल जरदारी के जलसे में लोग भी इन जैसे ही आते हैं, जिनको पता ही नहीं करने क्या आए हैं, इनका बस शुगर मिला ही होता है। जी कहाँ से हैं? भाई लाहौर से। तो ये क्या बांधा हुआ सर? ये भाई झंडा है। झंडा बांधा हुआ जी। किस पार्टी के साथ है आपको पता है? पीटीआई के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ है तो झंडा पीपी का क्यों है भाई? वैसे चक्कर मेला लगाने के लिए। कौन है? अगली वीडियो में इमरान खान की बात सच्ची निकल आएगी, क्योंकि काशिफ अब्बासी के सामने बिलावल भुट्टो की जुबान से खुद ही निकल जाता है ये सारे चोर हैं। लेकिन अगर आपके पास जाए मुलाकात हो जाए अब ये तो ये दिस वुड बी एविडेंस था कि मैं तो चोरों से नहीं मिलता हूँ। हाँ, वो शायद ना ही मिले, पता नहीं। मैं तो चोरों से नहीं मिलता हूँ, मैं तो इनसे नहीं मिलता, वो उनसे नहीं मिलता, तो वो उसे। इसी तरह बिलावल भुट्टो आज बहुत गुस्से में हैं, आप सब इनसे बच के रहें, नहीं तो ये कच्चा चबा जाएंगे। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। अच्छा ठीक है। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ठीक है, समरिया समरिया। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। पिछला सर क्यों ले आया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं हर किसी कुवत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून है। अच्छा, जो मैं आपके साथ करूंगा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। एक गेंद धमकी जा रही है, बस की बात नहीं। तो दोस्तों ये थे कैमरा मैन कौन की कीनू गई है, मैंने थले कमेंट करके दस्यो भी केड़ी पार्टी दे बंदे नु इन्होंने धमकी दी है। देखो किसी भी पॉलिटिक्स जिहड़ी पार्टी दा बंदा है कोई, वह इदां दी स्पीच कोई भी कर सकता, जिवें तुहानू मैं दस्या ना कि बड़े फंबल हो सकते हैं भरावा, बहुत कुछ हो सकता है। घैंट सी आई अज दी वीडियो, तुहानू कितले कितले कमेंट करके जरूर दस्यो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई डिसरिस्पैक्ट नहीं गी, ये जस्ट कुछ फनी मोमेंट्स ही जिहड़ियां आपां एंजॉय कीतियां, ठीक है। तो जदों कोई भी वीडियो देखो, हो सकता बड़े सीरीयस मैटर होण जिन्हां ते गल कर रहे हैं, लेकिन जदों उन्हूं कट के ते अगे पिछे मीम्स लगा के उन्हूं उदां दिखाया जांदा तो वह कॉमेडी दा ही रूप लगता। सो उन्हूं देखो, बस इंजॉय तक रखो, होर बाकी किसी नाल भी परसनल जाण दी लोड़ नहीं, जस्ट फन परपज लिए वीडियो सी। क्योंकि देखो शायद वह खुद उन्होंने भी पता कि ये वीडियो हुण नैट पर जाएगी, उन्होंने भी पता कि हाँ लोग यार इंजॉय करते हैं जिन क्लिप्स में, इंजॉय करते हैं, हासा मखौल करते हैं, मजाक लगाते हैं, जुगत लगाते हैं,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰ ਬੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਾਂਦਬਲਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।